हेलो दोस्तों, चिकन से मैंने कई तरह का डिश बनाना आप लोगों को बताया है, सिखाया है। आज मैं चिकन से बना रही हूँ चिकन पकौड़ा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ रफत परवीन, ऑल ओवर किचन में आपका स्वागत करती हूँ। आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। इसके लिए मैंने लिया है 1.25 kg चिकन। ये छोटे छोटे टुकड़े में काट के इसको धो दिए हैं, धो यानी सिरका के पानी में डाल के धोए हैं ताकि इसका भी जो स्मेल है ख़त्म हो जाए। चिकन पकौड़ा के लिए मसाला है 3 tablespoon बेसन, 2 tablespoon सूजी और ये मसाले, 1 अंडा इसे मैंने निकाल दिया है बर्तन में। मसाले हैं कश्मीरी मिर्च 1 चम्मच, जीरा काली मिर्च 1 चम्मच, हल्दी पाउडर 1/2 चम्मच, तीखा मिर्च 1 चम्मच, अजवाइन 1 चम्मच, कसूरी मेथी 1 चम्मच, गरम मसाला 1/2 चम्मच, स्वाद के लिए नमक, अदरक का पेस्ट, लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून, लेमन, दही 1 कप। चिकन पकौड़ा के साथ खाने के लिए 2 तरह का सॉस बनाऊंगी। ये मेरा हनी चिली सॉस की सामग्री है। इसके लिए मैंने लिया है 3 कश्मीरी लाल मिर्च और 2 तीखा मिर्च, गर्म पानी में सोख कर दिए हैं। हनी, लहसुन 2 चम्मच, अदरक 1 चम्मच, कॉर्नस्टार्च, लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच, 3 हरी मिर्च और अदरक का क्यूब। अब दूसरा बताऊंगी, मस्टर्ड सॉस। इसके लिए मैंने लिया है 4 टेबल स्पून पीला सरसों, 1 टेबल स्पून काला सरसों, नमक स्वाद के लिए थोड़ी सी हल्दी, 1 चम्मच चीनी। आप सोच रहे होंगे कि अदरक इस तरह से क्यों है, तो मैंने अपने से प्रिजर्व किया था अदरक, उसी का क्यूब है ये। अगर आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर देख सकते हैं। सबसे पहले इसमें लेमन का रस डालेंगे, 1/2 लेमन का। इसे इसको डालने से क्या होगा, चटपटा और सॉफ्ट भी बनेगा चिकन। इसका पेस्ट डालेंगे, अदरक डालेंगे, दही डालेंगे, एक अंडा है इसे डालेंगे, तीखा मसाला है इसमें, सारे मसाले को इसमें ऐड करेंगे। सबको पहले अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। मिक्स करके इसको आप चाहें तो रात भर भी फ्रीज में रख सकते हैं, लेकिन हम इसको 1/2 घंटा के लिए रखेंगे। जब तक ये 1/2 घंटा मैरिनेट होगा, इस बीच में हम सॉस तैयार करेंगे। मसाला अच्छी तरह से मिक्स हो गया है, अब इसको ढक के 1/2 घंटा के लिए छोड़ देंगे। सबसे पहले इसको हम पीस लेंगे, जब मिलते हैं दोस्तों। हम चिली सॉस बना रहे हैं, इसके लिए 2 टेबल स्पून तेल डालेंगे, रिफाइंड तेल। इसमें लहसुन अदरक जो है कटा हुआ इसको डालेंगे, इसको ज़्यादा पकाना नहीं है। अब हम इसमें पेस्ट डालेंगे जिसे मैंने पीस दिया है। इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे स्वाद के लिए, 2-3 मिनट भूनेंगे जब तक तेल अच्छी तरह से बाहर ना आ जाए। कॉर्नस्टार्च डाल के मिलाएंगे। इसको डालने से क्या होगा कि ये गाढ़ा हो जाएगा सॉस, इसीलिए कॉर्नस्टार्च मिलाया गया है इसमें। देखिए गाढ़ा हो गया है, अब इसमें हम शहद मिलाएंगे। शहद मिला के 10 से 15 सेकंड चलाएंगे, उसका गैस बंद कर देंगे, इसलिए शहद को पकाना नहीं है ज़्यादा। देखिए तैयार है हनी चिली सॉस। अब हम मस्टर्ड सॉस बनाने जा रहे हैं। अब मस्टर्ड सॉस बनाएंगे, सबसे पहले सूखा पीसेंगे। जब सूखा पिसा जाएगा उसके बाद तब गीला वाला डालेंगे। सरसों को हमेशा सूखा पीसना चाहिए, इससे क्या होता है कि आराम से पिसा जाएगा। पानी डालकर अगर पीसिएगा तो अच्छा से नहीं पिसाएगा। देखिए ये पिस गया है, बारीक हो गया है।
अब इसमें हम लहसुन डालेंगे, हरी मिर्च और अदरक डालेंगे, पानी डाल के गाढ़ा घोल बनाएंगे इसका। एक टेबल स्पून सरसों तेल डालेंगे और सबको पीस लेंगे। देखिए मस्टर्ड चटनी तैयार है। अब हम लोग चिकन फ्राई करेंगे, चिकन का पकौड़ा बनाएंगे। सबसे पहले हम इसमें सरसों तेल डाल रहे हैं। जब तक ये गर्म होगा, इस बीच में हम उसमें और भी कुछ कुछ सामान मिलाएंगे। अब इसमें बेसन और सूजी डालेंगे। सूजी डालने से क्या होगा दोस्तों, ये क्रिस्पी बनेगा। तो पहले मिक्स करेंगे, फिर हम फ्राई करेंगे। पहले अगर सूजी डाल देते तो क्या होता है, वो बिल्कुल डो के जैसा बन जाता, बिल्कुल गल जाता। इसीलिए सूजी और बेसन सबसे लास्ट में डालना है। अगर सूजी नहीं हो तो आप चावल का आटा भी डाल सकते हैं, उससे भी क्रिस्पी बनेगा। तेल अच्छी तरह से गर्म हो गया है, इसको फ्राई करने के लिए हाई फ्लेम पर तलेंगे। अभी हाई हीट पर तलेंगे, उसके एक डेढ़ मिनट के बाद लो टू मीडियम हीट पर तलेंगे, जब तक अच्छा से फ्राई ना हो जाए, गल ना जाए। लेकिन अब इसको पलट देते हैं। देखिए लाल हो गया है इधर से, और फ्लेम भी कम कर देते हैं। लो टू मीडियम हीट पर ही थोड़ी देर और इसे फ्राई करेंगे। देखिए तैयार हो गया है, अब इसको हम निकाल लेंगे। हुआ है, अब दूसरा बैच डालेंगे, हाई हीट कर देंगे। फिर देखिए दोस्तों चिकन पकौड़ा तैयार है। एक में हम थोड़ा सा चाट मसाला छिड़क देंगे, टेस्ट इसका और अच्छा हो जाएगा। चिकन पकौड़ा है और दो तरह का सॉस है। रमज़ान स्पेशल चिकन पकौड़ा की रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।